चार पाँच सालों पहले एयरटेल की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उस टाइम मनाली में ही काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल होता था दिसंबर में। लेकिन कुछ सालों से दिसंबर में मनाली में स्नोफॉल नहीं हुआ। लास्ट ईयर भी लगभग 28-29 दिसंबर को जो मनाली में स्नोफॉल हुआ था। अगर एयरटेल नहीं होती तो आपको मनाली में स्नोफॉल या फिर स्नो देखने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं होता। एयरटेल बंद की वजह से जो स्पीति वैली पहले 6 महीने ही ओपन रहती थी वो अब जो 9-10 महीने ओपन रह रही है। कभी मनाली के सोलांग वैली और गुलाबा में इतना स्नोफॉल होता था कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन अब यहाँ पर वैसा स्नोफॉल देखने के लिए नहीं मिल रहा जैसा कि यहाँ पे होना चाहिए था। दिसंबर तो खत्म हो चुका है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है क्या जनवरी में स्नोफॉल होगा। हेलो गाइस, मेरा नाम सुनील ठाकुर और आप देख रहे हैं क्रेजी फॉर हिमाचल। इस वीडियो में बात करूंगा मनाली की, कहाँ पर मनाली में आपको स्नोफॉल देखने के लिए मिलेगी। साथ ही मैं बात करूंगा स्नो की, कहाँ पर आपको स्नो देखने के लिए मिलेगी। साथ ही मैं बात करूंगा स्नो एक्टिविटी के लिए फेमस डेस्टिनेशन सोलांग वैली की, वहाँ पर आपको स्नोफॉल देखने के लिए मिलेगी। कैसा क्राउड रहेगा जनवरी में, एयरटेल बंद होगी या फिर खुली रहेगी, तो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मैं आज के मौसम की बात करूं, आज आप मौसम देख सकते हो मौसम खराब है, जिसकी वजह से टेम्परेचर है काफी ज्यादा डाउन हो चुका है। शाम के 5 बजने वाले हैं। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस अभी यहां पर है। रात को तो ये टेम्परेचर और भी ज्यादा कम हो जाएगा। आज 2023 का लास्ट दिन है और आज जो यहाँ का मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। जो लोग मनाली न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए आए उनको मैं यही बोलूँगा, आज दिन को आप जो सिसु जा सकते हैं और कोकसर जा सकते हैं। कोकसर में आपको ज़्यादा स्नो मिलेगी, वहाँ पर स्नो एक्टिविटी आप कर सकते हैं और वहाँ पर इन्जॉय करने के बाद शाम को आप जो मॉल रोड मनाली की तरफ आएँ। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए मनाली मॉल रोड से अच्छी जगह आपको नहीं मिलेगी, जहाँ पर रात को आप काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय आप कर सकते हो। अगर बात करूँ मैं कल की, तो न्यू ईयर के फर्स्ट दिन में ही जो मनाली में आपको स्नोफॉल होने के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। स्पेशली बात मनाली में तो बहुत ज़्यादा कम है। अगर स्पेशली बात करूँ एयरटेल सिसु और कोकसर साइड, वहाँ पर जो आपको स्नोफॉल देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप मनाली हो तो आप प्लान कर सकते हो, कल आप एयरटेल की तरफ जा सकते हैं, वहाँ पर आपको स्नोफॉल देखने के लिए मिल सकता है। अगर बात करूँ 2 तारीख को, 2 तारीख को मनाली मौसम साफ रहेगा। 3 तारीख को भी यहाँ पर मौसम ख़राब है, इस टाइम भी स्नोफॉल होने के चांसेस थोड़े बहुत है। उसके बाद जो 6 तक मौसम साफ रहेगा और 7 को जो फिर से मौसम ख़राब रहेगा। एयरटेल साइट अक्टूबर से स्नोफॉल हो रहा है तो वहाँ पर चांसेस ज़्यादा रहते हैं स्नोफॉल होने के। अगर बात करूँ मनाली के सोलांग वैली की, तो इस टाइम जो जिस हिसाब से वेदर कंडीशन और टेम्परेचर है उस हिसाब से नहीं लगता है कि अभी आपको जो सोलांग वैली में आपको स्नोफॉल देखने के लिए मिलेगी। अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार और करना पड़ेगा मैन मनाली में स्नोफॉल होने के लिए। अगर जो कल स्नोफॉल होता है तो इससे अच्छी बात क्या होगी, न्यू ईयर पर स्नोफॉल देखने के लिए मिल रहा है। बाकी बात करूँगा मैं स्नो की, तो स्नो भी आपको सिर्फ सिसु और कोकसर में ही देखने के लिए मिलेगी। कोकसर में आपको ज़्यादा स्नो देखने के लिए मिलेगी, वहाँ पर आप स्नो एक्टिविटी भी कर सकते हो। बाकी अगर जो कल स्नोफॉल होता है तो आपको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्नो देखने के लिए मिल जाएगी। लास्ट में तो आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको जो स्नोफॉल देखनी है तो आप जो एयरटेल की साइड जाएँ। अगर आपको स्नोफॉल नहीं भी मिलता है फिर भी आपको वहाँ पर आराम से आपको स्नो देखने के लिए मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या फिर क्वेरी, तो चाहे इंस्टाग्राम फॉलो करिए या फिर नीचे कमेंट करके मुझसे पूछिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।